महाराज इतिहास साक्षी है कि आज से पूर्व ऐसी विचित्र घटना विजयनगर में कभी घटित नहीं हुई। देवी माँ का यूं पंडित रामा कृष्णा को स्वर्ग में बुलाना, इनको लाने के लिए अपने दूत को भेजना, यदि देवी माँ ऐसा चाहती हैं, तो अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है। महाराज हमें ज्ञात है कि पंडित रामा कृष्णा के लिए आप राजा भी हैं और मित्र भी, और यदि पंडित रामा कृष्णा के स्थान पर प्रजा का कोई आम मनुष्य भी होता तब भी आपके लिए ये निर्णय उतना ही कठिन होता। किंतु महाराज इस परिस्थिति में आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए और देवी माँ की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। जिसमें हमारे प्राण बसते हैं उसके प्राण लेने का निर्णय हम कैसे लें? हमारा हृदय नहीं मान रहा। मेरे प्रति आपका प्रेम आपको वो निर्णय नहीं लेने देगा जो इस समय आपको लेना चाहिए। महाराज महाराज देवी माँ के दूत का यहाँ से वापस जाना सभी प्रजा के हृदय में भय उत्पन्न कर गया है। जी महाराज, देवी माँ की इच्छा की पूर्ति होनी ही चाहिए। महाराज आपके निर्णय की हम सबको प्रतीक्षा है। महाराज इससे पूर्व कि आप अपना कोई निर्णय सुनाए, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। क्या पंडित रामाकृष्ण? महाराज जिस देवी माँ की असीम अनुकंपा सदैव विजयनगर पर रही है, जिस देवी माँ ने आपके प्राणों की रक्षा की और विजयनगर के सौभाग्य के रूप में आपको पुनः सुशोभित किया, उस माँ की इच्छा की पूर्ति आपको अवश्य करनी चाहिए महाराज। अतः मुझे स्वर्ग लोक जाने की अनुमति दे महाराज। पंडित रामाकृष्णा, स्वर्ग लोग आप पालकी में बैठकर तो नहीं जाएंगे, ये भी तो बताइए कैसे जाएंगे? मैं नीली पहाड़ी की चोटी से कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। पंडित रामाकृष्णा, हम भली भांति जानते हैं कि आपके इस निर्णय के पीछे कारण क्या है, परंतु हम आपको कदापि ऐसा नहीं करने देंगे। नियति के आगे किसका बस चला है महाराज, यही नियति है। और वैसे भी ये जन्म देवी माँ का ही तो दिया हुआ है, इन प्राणों पर देवी माँ का अधिकार है, और यदि ये प्राण देवी माँ के काम ना आ पाए तो इस प्राण से निष्प्राण होना अच्छा। हम पंडित रामाकृष्णा की इच्छा से पूर्णतया सहमत है महाराज, हमें देवी माँ की इच्छा पूरी करनी चाहिए। मुझे स्वर्ग लोक जाने की अनुमति दे महाराज, इसी में विजयनगर की भलाई है, और जिसमें विजयनगर की भलाई है मेरे लिए वही सर्वोपरि है। आपके आदेश की प्रतीक्षा है महाराज। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिवस भी आएगा जब कोई विकल्प शेष नहीं बचेगा। उचित है पंडित रामाकृष्णा, परंतु हम आपको आदेश नहीं अधिकार देते हैं कि आप जैसा उचित समझे वैसा करें। आपके दिए हुए अधिकार को नमन करते हुए मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं देवी माँ की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, और नीली पहाड़ी की चोटी से कूदकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कहाँ हैं वो? मैं देवी माँ की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, और नीली पहाड़ी की चोटी से कूदकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। गुरु जी,
गुरुजी, आपके नेत्रों में अश्रु। अश्रु हमारे नेत्रों में? अरे हाँ, हमारे नेत्रों से तो अश्रु की धारा बह रही। परंतु गुरुजी क्यों, क्यों और किसके लिए बह रही है? उसके लिए जिसमें कभी हमने मित्र देखा तो कभी शत्रु। बीस वर्ष धनी मनी, 20 वर्ष हमने पंडित रामाकृष्णा के बिना कैसे व्यतीत किए हैं ये हमारा हृदय जानता है। हर पल हर क्षण उनकी स्मृति में बीता। हमें पूर्ण विश्वास था कि वो लौट कर आएंगे और आए भी, किंतु अब पुणे जा रहे हैं। अब तो संपूर्ण जीवन बस उनकी स्मृतियां ही शेष रह जाएंगी। एक विचित्र सा संबंध है उनके साथ हमारा। उनके साथ भी नहीं रह सकते, उनके बिना भी नहीं रह सकते। हम उनके प्राणों के शत्रु नहीं हैं, ना कभी थे और ना कभी होंगे, किंतु मां के आदेश के समक्ष हम विवश हैं। अब तो भगवान शिव ही जानते हैं पंडित रामाकृष्णा के बिना हम कैसे जीवित रहेंगे। गुरुजी, हमारे पास एक उपाय है जिससे आपको पंडित रामाकृष्णा का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। अच्छा, क्या उपाय है? बता दे। हाँ बताओ। गुरुजी, उपाय ये है कि जैसे ही पंडित रामाकृष्णा उस नीली पहाड़ी की चोटी से छलांग लगाएंगे ना, हम दोनों आपको भी वहीं से धक्का दे देंगे, बस हो गया काम। हाँ गुरुजी, फिर आप और पंडित रामाकृष्णा सीधे स्वर्ग लोक चले जाइएगा। हाँ, ये उपाय तो। स्टॉप! भागे रहे हम तुम दोनों को। अम्मा, इतना कस के बांधा है कि नीली पहाड़ी पे जाना तो दूर, चार पैया से हिल भी नहीं पाएंगे। देवी माँ जी, देवी माँ। हाँ देवी माँ, मैं दे दूंगा, मैं सारे गहने और आभूषण अम्मा और शारदा को दे दूंगा। देवी माँ अवश्य दे दूंगा। क्या ढेर सारे गहने और आभूषण है? 10 संदूके कम पड़ जाएंगी। हाँ जी देवी माँ, जी देवी माँ, दे दूंगा, दे दूंगा देवी माँ, दे दूंगा। हैं, देवी माँ कहाँ गई? शारदा, ये तुम लोगों ने मुझे पलंग से क्यों बांधा है? जिससे कि आप नीली पहाड़ी पर जाकर छलांग ना लगा सके। वो छोड़, तू निंद्रा में क्या बड़बड़ा रहा था? हम दोनों को कौन से गहने देने की बात कर रहा था? हाँ माँ, देवी माँ मुझसे अत्यंत प्रसन्न है कि मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करने वाला हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बाद तुम्हारा और शारदा का ध्यान कौन रखेगा, तुम दोनों का भरण पोषण कौन करेगा। इसलिए उन्होंने मुझे स्वप्न में बताया कि यदि घर के बाहर जाकर मैं भूमि की खुदाई करूं तो वहां मुझे बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। ढेर सारे स्वर्ण, हीरे, मोती, जवाहरात, सोने, चांदी, सब कुछ। हाँ, और उन्होंने ये कहा कि विलंब मत करना, जितना विलंब करेगा खजाना उतना ही कम होता जाएगा, इसलिए शीघ्र अभी के अभी जाकर खुदाई करना। किंतु मैं तो हिल भी नहीं पा रहा अम्मा। चलो चलो, शीघ्र खुदाई करनी है। हाँ अरे विलंब मत करिए, जाइए जाइए जाइए, आप बाहर जाइए, मैं फावड़ा लेकर आती हूँ। शारदा महोदया, फावड़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वप्न की बात भी भला सत्य होती है कभी? यदि तुम्हें मुझे बांधना आता है तो मुझे भी स्वयं को मुक्त कराना आता है।
मैं चला नीली पहाड़ी। अरे अम्मा, ओ मेरी अम्मेश्वरी, क्यों रो रही हो? शारदा, तुम भी इतनी चिंतित क्यों हो? देवी माँ है ना? देखो देखो, आज तक जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है, बुद्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, राजपद, सब देवी माँ के आशीर्वाद से ही मिला है ना? तो यदि देवी माँ की इच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं, तो मैं उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी माँ मुझे कुछ नहीं होने देंगी। अम्मा, तुम्हें चारों धाम की यात्रा भी तो करवानी है कि नहीं? और शारदा, अपने भास्कर का विवाह भी तो करवाना है, इसलिए विश्वास रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, जाने से पूर्व मुझे तुम दोनों से एक आवश्यक बात करनी है, ध्यान से सुनना। हृदय व्याकुल है, मन व्यथित है, आत्मा बहुत दुखी है। महाराज, हम सोच रहे हैं कि जब हम सब इतने दुखी हैं, तो पंडित रामकृष्ण की कैसे स्थिति होगी? कैसी स्थिति है महाराज? ऐसा प्रतीत होता है पंडित रामकृष्ण का मानसिक संतुलन डगमगा गया है। देखिए, पंडित रामकृष्ण, ये सब क्या है? पंडित रामकृष्ण, आप किसी उत्सव में नहीं जा रहे हैं, प्राण त्यागने जा रहे हैं। यही तो विचारों का फेर है गुरुवर। आप लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं प्राण त्यागने जा रहा हूँ, जबकि मैं तो स्वर्ग लोक जा रहा हूँ, अपनी देवी माँ के चरणों में शीश झुकाने। और ये मेरे लिए किसी उत्सव के क्षण से कम नहीं है। ऐसा अवसर भला किसे प्राप्त होता है? क्या ये उत्सव का अवसर है? हाँ छोटी महारानी, पंडित रामकृष्ण, तो इस उत्सव के अवसर पर हमारे द्वारा बनाए हुए मिष्ठान को आप अपने साथ ले जाइएगा और देवी माँ को इसका भोग लगा दीजिएगा। अवश्य छोटी महारानी, लाओ लाओ थैला दो। हाँ दीजिए, भोग अवश्य लगाइएगा। अरे तुम लोग शांत क्यों हो? उत्सव का समय है, बजाओ ढोल नगाड़े, बजाओ। बंद कीजिए ये सब। पंडित रामकृष्ण, मत जाइए। जी मत रोकिए महाराज। इसे अपने महाराज का आदेश समझ लीजिए। यदि आपके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति भी होता, तो हम उसे भी इस प्रकार से अपने प्राण देने की अनुमति कदापि नहीं देते। और आप तो हमारे परम प्रिय मित्र हैं पंडित रामकृष्ण, हमारा कहना नहीं मानेंगे? अवश्य मानूंगा, किंतु क्या एक मित्र चाहेगा कि उसका मित्र माँ का मान ना रखे? पंडित रामकृष्ण, भले ही आपके और हमारे बीच में नोक झोंक चलती रही हो, किंतु हमने कभी हृदय से आपका बुरा नहीं चाहा।
आपके जाने से हम भी अत्यधिक दुखी। हम तो देवी माँ से भी क्रोधित थे। ये कैसी इच्छा व्यक्त कर दी उन्होंने? अच्छा तो शिवजी से कहिए ना कि वो देवी माँ को समझाएं। माँ बस, अब यदि किसी की आंखों से एक बूंद भी अश्रु गिरा ना तो मैं स्वर्गलोक जाकर देवी माँ से शिकायत कर दूंगा। माँ आशीर्वाद दो। पंडित रामकृष्ण हमारे लिए ना सही, कम से कम अपनी माँ के लिए रुक जाइए। महाराज इस माँ के लिए तो रुक जाऊं किंतु उस माँ को क्या कहूं जो केवल मेरी नहीं अपितु पूरे विश्व की माँ है। मुझे जाना होगा महाराज, आज्ञा दे। पंडित रामकृष्ण रुक जाइए। रुक जाइए पंडित रामकृष्ण। अभी सोच ले, बहुत ऊंची है ये पहाड़ी, अपने प्राणों की नहीं तो मेरे प्राणों की तो सोच। शारदा आज हमारे लिए गर्व का दिन है कि मेरे पुत्र ने और तेरे पति ने मुस्कुराते हुए विजयनगर के लिए अपने प्राण त्याग दिए। सच कहता था वो कि हमें उत्सव मनाना चाहिए, वो कहीं और नहीं जो चन्नी के पास गया है, जिसके लिए न जाने कितने ऋषि मुनि तप करते हैं, और मेरे पुत्र को तो स्वयं माँ ने बुलाया है। शत शत नमन है धरती की इस माँ को जिसने अपने पुत्र के जाने की पीड़ा को हृदय से अश्रु तक नहीं पहुंचने दिया, और नमन है इस धरती को जिसने ऐसी माँ को जन्म दिया।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.